सामाजिक सरोकार परिवार हरियाणा ने राम राय और गोविंदपुरा में किया दो नए भारत माता पुस्तकालयों का उद्घाटन। जींद क्षेत्र के दो गांव गोविंदपुरा और राम राय में सामाजिक सरोकार परिवार की तरफ से भारत माता पुस्तकालय का आज उद्घाटन किया गया। संस्था द्वारा 47 पुस्तकालयों का उद्घाटन किया जा चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के वॉलंटियर सुरेंद्र लाठर ने बताया कि प्रत्येक पुस्तकालय का उद्घाटन गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा हम सब का अधिकार है, हमारी संस्था इसी प्रयास में लगी है कि प्रत्येक गांव में भारत माता पुस्तकालय खोला जाए। संस्था की मुहिम ग्रामीण कलम करो मजबूत के तहत अभी तक 47 पुस्तकालयों का उद्घाटन किया जा चुका है। संस्था के प्रदेश प्रवक्ता आशीष कुमार ने बताया कि शिक्षा से ही समाज में जागरूकता लाई जा सकती है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें हर हालत में पढ़ाना चाहिए। कहा था कि हॉस्पिटल में भी अब पुस्तकालय खोलेंगे, तो ये पुस्तकालय की जो प्रेरणा है, ये जो जुलाना ब्लॉक की जैसे जो जींद ब्लॉक आपके गांव से शुरुआत करी है, इसी का इतना प्रचार प्रसार हो गया कि लोगों में जागरूकता आ गई। अब आपके पास कोई भी आएगा दूसरे गांव में तो उनसे कहेंगे जी हमारे गाँव में पुस्तकालय खुलवाओ, हमारे बच्चे भी हमने DC पुलिस कप्तान जज बनाने, हम छोटे क्यों रखें, नौकरी चाहिए ना आपके बच्चों को भी, अब चाहते हो ना आपके सारे बच्चों को नौकरी, तो उनको पता लगा तो प्रचार प्रसार हुआ। जी जी, तो फिर वो अब सरकार पर भी ऐसे ही लोग जागरूक हो गए और सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ा, तो आने वाले 2 साल में 2024 के इलेक्शन तक सरकार भी हरियाणा के हर गांव में पुस्तकालय खोल देगी। फायदा किसका हुआ? हम ग्रामीण लोगों का, चाहे सरकार खोल दे चाहे कोई संस्था खोल दे, कोई भी खोल दे, हमने तो काम से मतलब है ना, है कि नहीं? तो ये बच्चे सारे बन जाए, इन बच्चों को स्कूल उस अस्पताल में
अपने उसमें भेजा करो भारत माता पुस्तकालय में, वहाँ सारी किताबें हैं जो पीन चपरासी की तैयारी से लेके IAS तक, DC कप्तान जज बनने तक, तो वो किताबें पढ़ेंगे तो इनका भी मन करेगा। जैसे जैसे कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो किताबों के पास बैठेंगे इन भी दिखेगा वो बच्चा ऐसा जज बन गया, वो ये इनको पढ़ के DC बन गया, पुलिस कप्तान बन गया, SP बन गया, तो इनका भी मन करेगा ऐसा ही। अगर आप किसी ऐसे की जगह जाके बैठोगे जो नशा करते हैं तो फिर ये बच्चे भी उधर चले जाएंगे। तो ये जो आज आपके गांव में आपका, हम भी धन्यवादी हैं, आपने हमें मौका दिया कि आपके गांव में एक ऐसा विद्या देवी सरस्वती का मंदिर खोलने का, और इस अम्बेडकर समिति का भी हम बहुत धन्यवादी हैं, सारा सामाजिक सरोकार परिवार, कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि आपके गांव में विद्या देवी सरस्वती का जो एक पौधा एक अच्छा हम लगा पाए। और उम्मीद करूँगा आने वाले टाइम तो लगता है अच्छे कामों में, 10-15 साल में आपके गाँव से भी बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, DC, SP, डॉक्टर, इंजीनियर और जज, कोई बना मिलेगा। जब आपको याद आएगा एक दिन सामाजिक सरोकार परिवार वाले आए थे और ये कह के गए थे भाई पुस्तकालय में किताबें पढ़ने से ऐसे बनेंगे, आज आपके गांव में 4 बन गए, तो आप सुनोगे उस दिन आपको याद आएगा। तो इन सब बातों के साथ कि ये एक ऐसा संगठन है, इसके साथ जुड़ोगे तो फायदा ही है, आपसे पूछ के कि आपको क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। दूसरा, इस संगठन की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और इसका गवाह आपके बच्चे ये जो अंबेडकर समिति वाले मेहनती कार्यकर्ता राजेंद्र जी हैं और भी है। जैसे इन्होंने कहा तो हमने बहुत जल्दी, ऐसे नहीं सरकार घोषणा तो 2-2 साल लग जाते, जैसे इन्होंने कहा रिजोल्यूशन आप लोगों ने रखा और हमने सोची हाँ ज़रूरत है, तो बहुत जल्दी 15 दिन महीने के अंदर ये कार्रवाई करवा देते। और ये चंदे जी तो फिर वो अब सरकार पर भी ऐसे ही लोग जागरूक हो गए और सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ा, तो आने वाले 2 साल में 2024 के इलेक्शन तक सरकार भी हरियाणा के हर गांव में पुस्तकालय खोल देगी। फायदा किसका हुआ? हम ग्रामीण लोगों का, चाहे सरकार खोल दे चाहे कोई संस्था खोल दे, कोई भी खोल दे, हमने तो काम से मतलब है ना, है कि नहीं? तो ये बच्चे सारे बन जाए, इन बच्चों को उस स्कूल उस अस्पताल में अपने उसमें भेजा करो भारत माता पुस्तकालय में, वहाँ सारी किताबें हैं जो पीन चपरासी की तैयारी से लेके IAS तक, DC कप्तान जज बनने तक, तो वो किताबें पढ़ेंगे तो इनका भी मन करेगा। जैसे जैसे कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो किताबों के पास बैठेंगे इन भी दिखेगा वो बच्चा ऐसा जज बन गया, वो ये इनको पढ़ के DC बन गया, पुलिस कप्तान बन गया, SP बन गया, तो इनका भी मन करेगा ऐसा ही। अगर आप किसी ऐसे के जगह जाके बैठोगे जो नशा करते हैं तो फिर ये बच्चे भी उधर चले जाएंगे। तो ये जो आज आपके गांव में आपका, हम भी धन्यवादी हैं, आपने हमें मौका दिया कि आपके गांव में एक ऐसा विद्या देवी सरस्वती का मंदिर खोलने का, और इस अम्बेडकर समिति का भी हम बहुत धन्यवादी हैं, सारा सामाजिक सरोकार परिवार, कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि आपके गांव में विद्या देवी सरस्वती का जो एक पौधा एक अच्छा हम लगा पाए। और उम्मीद करूँगा आने वाले टाइम तो लगता है अच्छे कामों में, 10-15 साल में आपके गाँव से भी बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, DC, SP, डॉक्टर, इंजीनियर और जज, कोई बना मिलेगा। जब आपको याद आएगा एक दिन सामाजिक सरोकार परिवार वाले आए थे और ये कह के गए थे भाई पुस्तकालय में किताबें पढ़ने से ऐसे बनेंगे, आज आपके गांव में 4 बन गए, तो आप सुनोगे उस दिन आपको याद आएगा। तो इन सब बातों के साथ कि ये एक ऐसा संगठन है, इसके साथ जुड़ोगे तो फायदा ही है, आपसे पूछ के कि आपको क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। दूसरा, इस संगठन की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और इसका गवाह आपके बच्चे ये जो अंबेडकर समिति वाले मेहनती कार्यकर्ता राजेंद्र जी हैं और भी है। जैसे इन्होंने कहा तो हमने बहुत जल्दी, ऐसे नहीं सरकार घोषणा तो 2-2 साल लग जाते, जैसे इन्होंने कहा रिजोल्यूशन आप लोगों ने रखा और हमने सोची हाँ ज़रूरत है, तो बहुत जल्दी 15 दिन महीने के अंदर ये कार्रवाई करवा देते। और ये चंदे से ही काम करती है, आप लोगों आपके गाँव से भी लोगों ने चंदा दिया है, ऐसा नहीं कि संस्था के पास कहीं, तो ग्रामीण एरिया से चंदा इकट्ठा करके अच्छे कामों के लिए, बजाय कि चंदा के हम ताश खेलते, कोई अपना भाई शराब पीता, कोई और नशा करता, उन पैसे इसको दान दिए तो बच्चों के लिए पुस्तकालय खुल गए, ठीक है ना जी। और भी जो आपकी ज़रूरत होंगी काम, उनसे आपसे मिलते आते जाते रहेंगे तो वो और अच्छे काम भी होंगे। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।